हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल डूइंग वेल। दिस इज मी सैयद शुजातुल्लाह। वेलकम टू इकरा आईएएस करंट अफेयर्स चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। द हिंदू न्यूज़पेपर में एवरी संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडिशन आता है, वो सेक्शन आता है। सो एज ए एस्पिरेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वेन एवर यू डिस्कस यू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी थरो विद दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल न्यूज जो हिंदू न्यूज़पेपर में आती है। थोड़े टॉपिक्स कंप्लीटली अनरिलेटेड होते हैं, सो डोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर जोन, रिमेंबर दिस पॉइंट। थोड़े टॉपिक्स इनसाइड ही होते हैं, अपने जो भी सिलेबस होता है उसमें ही होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर लिमिटेड टू योर सिलेबस व्हेन यू आर स्टडिंग व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको पता ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर में, पेपर टू में है, राइट? सो यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सो जीएस पेपर टू में जब आप हैं तो वहां पे आपको टेक्नोलॉजी का सेक्शन मिलेगा। सो मेक श्योर दैट टेक्नोलॉजी में तीन तरह के टेक्नोलॉजीज है जनरली। एक तो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, वी कॉल देम एज व्हाट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें आपको डिफेंस के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको स्पेस के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, राइट? इफ इट इज डन देन यू आर गोइंग एट विद व्हाट, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ भी आर्टिकल हो आओ या रोबोटिक्स का कुछ भी आर्टिकल आओ, इसमें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, सो आई विल राइट इट हियर। सो टेक्नोलॉजी व्हेन यू आर स्टडिंग, सो यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे डिफेंस के बारे में, स्पेस के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में और एटॉमिक एनर्जी। आप उसके बाद में पढ़ेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, लाइक रोबोटिक्स, इसमें ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे। ये दो होने के बाद इमर्जिंग एंड एडवांस आपकी ड्यूटी है कि आप पढ़ें। वन सेकेंड, आई जस्ट क्लियर दिस पर्टिकुलर एरिया। जनरली हम रबर यूज नहीं करते हैं, एज यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। आज हम रबर भी यूज कर रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली यूजिंग मच ऑफ द फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, गुड टू सी, ठीक है। तो ये होने के बाद में आप पढ़ेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी टेक्नोलॉजी में ही आता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी को ही प्रॉब्लम होता है पेटेंट्स का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसमें ही पढ़ेंगे आप आईटी एंड कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, आईटी एंड कंप्यूटर्स। सो ये होगा आपका टेक्नोलॉजी सिलेबस। तो अगर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ डिसीजेस, माय डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक हेल्थ डिसीजेस, जो डिसीजेस पब्लिक मींस मासेस के हेल्थ पे इफेक्ट करती है, वो डिसीज के बारे में हमें पढ़ना है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा और उसका मेडिकेशन क्या है, उसका प्रिवेंशन मेथड क्या है, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर ये दायरे में, ये एरियाज में, अगर हिंदू एडिटोरियल में संडे के दिन अगर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो आपका काम है कि वो पढ़ना और उसका नोट मेकिंग कर लेना, ठीक है। आज एक क्वेश्चन आया था, देखिए ड्रीम्स है, ड्रीम्स के बारे में भी उतना रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज इससे पहले सिर्काडियन साइकिल, सिर्काडियन साइकिल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग, इस तरीके का वन लाइनर क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले। तो हम यहाँ पे भी ड्रीम्स में जो भी पढ़ रहे हैं उसमें एक वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बारे में हम पढ़ने के लिए ही हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो मंकी पॉक्स तो पब्लिक हेल्थ डिसीज के इसमें क्लासीफाई करेंगे हम, और जेम्स वेब टेलीस्कोप तो आएगा स्पेस में आएगा, और कैंसर इज भी आएगा पब्लिक हेल्थ डिसीज में। और भी एक था वहां पे टॉपिक विच इज वेरी जनरल टॉपिक था, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। सो बेसिकली इन दैट हिंदू न्यूज़पेपर आप ये देखिए कि ये पूरे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप बटोर सकते हैं या नहीं, हिंदू न्यूज़पेपर में आपका काम है उस तरीके से अप्रोच होना वो पेपर को, एंड यू हैव टू डू इट, राइट? चलो लेट अस गो अहेड। मंकी पॉक्स आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपको वुंड्स होंगे, ओके, नॉट आप टू मीन्स, आई एम नॉट सेइंग टू यू, प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट, ये जनरल वर्ड है, आप मीन्स किसी को भी, ओके, एक इंडिविजुअल को यही इस तरीके से, ओके, वुंड्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वो सिम्टम है मंकी पॉक्स का। एक ये पहले बात तो बहुत नेग्लेक्टेड डिसीज है, ये उतना रेयर होने की वजह से क्या हुआ, ये बहुत नेग्लेक्ट की गई है, एंड बेसिकली ये आई थी ट्रेवलर्स, ओके, कोई ये डिसीज लेके आए थे, उसके बाद में वो बन गई है सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही फैलते गई, वहीं पे रही, वहां से बाहर नहीं गई, ओके, अफ्रीका के जो सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहीं पे थी ये मंकी पॉक्स, वो एरिया से बाहर कभी गए नहीं, तो एंडेमिक थी।
एंडेमिक का मतलब है अगर कोई फीचर एक पर्टिकुलर कोई डिजीज हो, कोई फीचर हो, अगर वो पर्टिकुलर एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है देन वी कॉल इट एज एंडेमिसिटी। तो ये एंडेमिक थी सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही, पहली बार आइडेंटिफाइड हुई थी 1958 में एंड वो डेनमार्क में आइडेंटिफाई हुई थी। और डेनमार्क में जो बंदा था और जो लोग थे वो ट्रैवल करते अफ्रीका को आए थे, यहाँ पे छोड़ के चले गए वो डिसीज को। उसके बाद में यहाँ से नहीं फैली बिकॉज आप समझ भी सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज गरीब भी है तो इतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पे ट्रैवल भी नहीं किए होंगे इसलिए वो दूसरे कंट्रीज पे वो स्प्रेड नहीं हुई। बट डेनमार्क वाले तो रिच होंगे ही होंगे तो ऑब्वियसली वो इधर उधर गए होंगे। सो जहाँ पे भी वो गए होंगे, मैं बेसिकली आर्टिकल में तो ये कह रहा था कि वो डेनमार्क में आई थी और वो इम्पोर्ट की गई थी। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है? एक जूनोटिक एक एनिमल बॉर्न है, जू मीन्स एनिमल बॉर्न है और वायरल इन्फेक्शन है। रिमेंबर दिस पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मंकी पॉक्स। ओके, अगर प्लांटोनिक लिखते थे तो प्लांट बॉर्न होती थी, यहाँ पे हम जूनोटिक लिखे तो ये एनिमल बॉर्न है, एक वायरल डिसीज है और ये इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को एंड अदर एनिमल्स को भी आ सकता है ये वायरस, और एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे, उनकी हेल्थ भी खराब होगी और ह्यूमन बीइंग तो आप देख ही रहे हैं। ओके, द ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ दिस डिजीज इज अननोन। ये आई कहां से, कौन से जानवर से आई, ये कहां से, पानी से आई या एयर से आई, ये कहां से आई किसी को इसका पता नहीं है, क्योंकि इसलिए जो नाम मंकी पॉक्स है ये लिटिल बिट व्हाट मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब है ये दिखता है कुछ और है बट होता कुछ और है। देखिए दिखने में तो मंकी पॉक्स तो आप समझेंगे कि मंकी पॉक्स से मंकी से आया है, बट ऐसा नहीं, मिसनोमर का मतलब है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। सो मंकी पॉक्स भी दिखने में मंकी पॉक्स से स्प्रेड हुआ जैसा है बट इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहीं पे भी नहीं मिला आपने को। ओके, रिसेंटली क्या हुआ, ये जो डिसीज एंडेमिक थी सेंट्रल अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही थी, अभी वो स्प्रेड हुई है दूसरे दूसरे कंट्रीज में जा रही है। ओके, सो इट हैज रिसेंटली स्प्रेडेड टू आउट यूरोप मई एंड जून के 2022 में, मई और जून में ये स्प्रेड हुई है, इसलिए WHO ने जल्दी जल्दी ये डिसीज को कैटेगराइज किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब क्या है, अभी मंकी पॉक्स के ऊपर गाइडलाइंस शुरू होंगे, वो गाइडलाइंस जो भी WHO के मेंबर्स है वो गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रिवेंटिव और मिटिगेशन स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगर कुछ केसेस है तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ऑल दिस whatever the suggestions given by the WHO have to be followed by all the member countries, इसलिए ही हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। सितंबर 2022 तक, मींस तीन दिन पहले तक ही 50,000 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स has infections has been reported over 99 countries. जो डिसीज अफ्रीका के सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही थी अभी वो दुनिया में फैल रही है। Over 15 deaths already has been reported because of this disease, 8 of which are reported from locations that has no historical records of this monkeypox, कभी वहां पे था ही नहीं, वहां पे 8 लोगों की मौत हुई है और एक इंडिया से भी है जी, 15 डेथ में एक इंडिया से भी, मींस एक इंडिया में एक पर्सन को मंकीपॉक्स आया और उस वजह से उसकी जान गई। तो मंकीपॉक्स के आप सिम्टम्स देखिए, हेडेक होगा, फीवर आएगा ही आ गया, बिकॉज याद रखिए कभी भी अगर आपको शुगर होता है, बीपी होता है तो कभी फीवर नहीं आता है। अगर कोई बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल अगर आपको डिसऑर्डर्स होते हैं उससे फीवर नहीं आता है, बट कभी भी एक फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर घुस जाता है, या वो एक सुई रहो, या वो एक कांटा रहो, या वो एक तागा रहो, या वो एक पार्टिकल रहो, या वो एक बैक्टीरिया रहो, या वो एक वायरल रहो, अगर इस तरीके से कोई आपकी बॉडी में बाहर से फॉरेन मटेरियल घुस अंदर चले जाता है बॉडी में, देन पहला सिम्टम होगा आपको फीवर होगा। बट आपको हार्ट में फीवर नहीं आएगा, बीपी में फीवर नहीं आएगा, शुगर में फीवर नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर का पार्टिकल नहीं, आपके अंदर के फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो भी फंक्शंस में उतार चढ़ाव होने की वजह से आपको वो जो भी है प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, जो भी है जो भी अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स तो बाहर का मैटर, तो जब वो अंदर जाएगा तो फीवर तो दिखेगा और फीवर के साथ हेडेक इज कॉमनली स्वेलन लिम्ब नोड्स, अपने रग मोटे मोटे दिखेंगे, मजल एक बैकएक होगा, पेनफुल रैशेस आएंगे, इस तरीके से रैशेस आएंगे, बहुत दर्द करेंगे, चिल्स आएंगे, आपको जाड़ा होगा, आप ऐसे ऐसे करेंगे, एग्जॉशन, आप थक जाएंगे। दीज आर दी वेरियस सिम्टम्स ऑफ व्हाट मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स का मेडिकेशन ही चल रहा है, कोरोना वायरस के टाइप्स का मेडिकेशन है, नथिंग बट यहाँ पे हम दे रहे हैं सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, सिम्टम्स को क्योर करते जा रहे हैं। अगर फीवर दिखा तो फीवर की गोली दे रहे हैं, अगर रैशेस दिखा तो रैशेस की गोली दे रहे हैं, अगर हेडेक दिखा तो हेडेक की गोली दे रहे हैं,
चिल्स है तो चिल्स की गोली दे रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिम्टम दिखते हैं तो उसको क्यूर कर रहे हैं। सॉरी, देयर इज नो प्रॉपर मेडिकेशन इज नॉट देयर, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं है इसका। ओके, और प्रिवेंशन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज जब मेडिकेशन नहीं है तो वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है, इसकी वैक्सीन भी नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स। आपको यहाँ पे याद रखना है एंडेमिसिटी कहाँ से आया था, कहाँ पे था एंडेमिक, वो याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि आया कहाँ से, डेनमार्क से याद रखना है। और ये प्लांट और एनिमल बॉर्न है तो आपको पता है ये एनिमल बॉर्न है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोन है, पैरासाइटिक है, तो आप बोलेंगे ये वायरल है। ठीक है, और इसका कुछ वैक्सीन है क्या, बोलते नहीं है। इसको किस तरीके से क्यूर किया जा रहा है, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इंडिया में इसके केसेस आए हैं, हाँ आए हैं। क्या ये डिसीज फैटल है, हाँ ये डिसीज फैटल है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। और ये कौन से बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, ये बॉडी के फिजियोलॉजी पे इफेक्ट करेगा, फिजियोलॉजी और स्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आपको लाइक ये मैकेनिकल भी है क्योंकि आपकी स्किन पे रैशेस दिखेंगे, फिजियोलॉजी आपको एग्जॉशन होगा। ओके, और आपके स्केलेटल पे बोन्स पेन होंगे, तो बेसिकली ये पूरी बॉडी को, नॉट वन सिंगल अफेक्टेड पार्ट, ओनली लिवर नो, ओनली हार्ट नो, इट अफेक्ट इट कंप्लीट बॉडी। इतने चीजें आप याद रखना बहुत जरूरी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट ड्रीम्स। यहाँ पे मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा आपको, ये जो फुल फॉर्म है इसका याद रखना है, रैपिड आई मूवमेंट्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम सोते हैं तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जिस तरीके से बीपी का या ब्लड शुगर का लगाते हैं, तो जिस तरीके से ग्राफ आता है, ब्रेन के जो वेव्स अंदर चल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स होती है, वेरी कॉमन है, कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब कोई ड्रीम्स देखता है नाइट में, तो उसके जो ब्रेन के जो सिग्नल्स, जो ब्रेन के जो वेव्स होते हैं ड्रीम्स देखने, जब इट इज इक्वल टू ए पर्सन इज लाइक अवेक स्टेट में, जैसा अवेक स्टेट में इंसान का जो ब्रेन के वेव्स जिस तरीके से जाते हैं, उसी तरीके से स्लीप के साइड में जब वो ड्रीम्स देखता है, जब भी जाते हैं, जब रैपिड आई मूवमेंट्स करता है, लाइक बाजू बाजू देखना, ऊपर ऊपर बाजू, सो इट्स नथिंग बट इक्वल वेव्स है, मींस ही इज इक्वली कॉन्शियस, मींस कंप्लीटली उसका सोल और उसका हार्ट जो है ना, वो ड्रीम में मौजूद है, वो ड्रीम में प्रेजेंट है, इसलिए उसका दिमाग उतना काम कर रहा है। जो ज्यादातर डिफरेंस दिखे ही नहीं बिटवीन द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में और अवेक स्टेट में, यही बोला गया है। आपको ये बात याद रखना है कि द स्लीप का फेस है ह्यूमन बी में, जो स्लीप का फेस है और जो ड्रीमिंग का फेस है, इज कॉल्ड रेम, रेम रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, बस इसको याद रखिए, दैट इज योर डन। सो यहाँ पे यही स्टडी की जा रही है कि ये जो है ड्रीम्स क्यों आते हैं, ओके, ये आई मूवमेंट्स का और आई मूवमेंट्स का इंफॉर्मेशन पास करते हैं क्या किसी को, उस तरीके से उसकी एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। ओके, सो पहली बात, सबसे पहले अगर कोई इसके ऊपर काम करा ड्रीम्स के ऊपर, इट वॉज डोमिनेटेड बाई ए पर्सन कॉल्ड एज सिगमंड फ्रॉयड। He figured, he focused on symbolic meaning of images recollected from dreams. The discovery of REM sleep, he only did it. Okay, so recollected का मतलब है मैं नींद से जागूंगा तो मैं, आप पूछेंगे तो मैं बहुत से जाऊंगा, मैं recollect करते रहूंगा कि क्या हुआ था सर, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा, तो is equals to what is a REM sleep, के किस तरीके से sleep में brain waves काम कर रहे हैं, उन दोनों का correlation है। उतना ही याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ। हिंदू न्यूज़पेपर के स्नैपशॉट में पहला है अपना कैंसर रिस्क। यहाँ पे आपको इतना ही मालूम होना है, 50% जो भी कैंसर डेथ्स हो रहे हैं वो प्रिवेंट कर सकते थे, बट हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है जिससे हम प्रिवेंट नहीं कर सक रहे हैं। सो 50% जो भी डेथ्स हुए कैंसर से कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, ये बोला गया है। और ये जो है द लार्जेस्ट स्टडी येट फॉर द लिंक बिटवीन द कैंसर बर्डन एंड रिस्क। कैंसर बर्डन का मतलब है ये हमारे कंट्री में सबसे पूरे डिसीजेस, जिस जिससे डिसीजेस इफेक्ट होते हैं, जो जो भी डिसीजेस से पूरे इंडियंस इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डिसीज कौन सा है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डिसीज बर्डन। तो कैंसर भी एक वन ऑफ द मेजर डिसीज बर्डन है। और इसके अगर रिस्क फैक्टर देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एग्जाम में आपको आएगा। कैंसर रिस्क इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या कोई अल्कोहलिक है, कोई ड्रंकर्ड है, कोई शराब पीते हैं, ज्यादा शराब खोर बोल सकते हैं, शराब पीना तो ऑब्वियसली नॉर्मल तो ओके बोल के बोलते हैं कि शराब खोर जो होते हैं, स्मोकर्स जो, सुट्टेबाज जो होते हैं, ओके, और जिसका हाई बॉडी मास इंडेक्स, जिसके पास चर्बी और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और वो प्रॉपरली प्रोपोर्शन में नहीं होता है,
देन ये तीन रीजंस है जिससे एक आदमी को एक इंसान को कैंसर का रिस्क मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। नेक्स्ट वन इज CO2 ऑन एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होगा। देखिए हमारा पूरी हमारी जो गैलेक्सी है, तो हम बोलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में सन होंगे, 8 प्लैनेट्स होंगे, फिर यहाँ पे एक सन होगा, एक प्लैनेट्स होंगे, सन होगा, प्लैनेट्स होगा। तो एवरी सोलार सिस्टम है ये, सोलार सिस्टम एक सोलार, सो मेनी ऑफ द सोलार सिस्टम विल मेक वन गैलेक्सी। तो एक्सोप्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं होता है, हमारे सन के अतराफ नहीं घूमता है, वो किसी और स्टार के अतराफ घूमता है। सो दैट प्लैनेट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लैनेट। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखिए यहाँ पे टेलीस्कोप का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सो टू टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, ओके, इंटर स्पेस में देखने के लिए। जनरली हम हमारे बचपन में तो बाइनोकुलर से देखते थे, तो ये क्या है, टेलीस्कोप बहुत पावरफुल होते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं। बेसिकली इनका ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक पहले छोटा भाई था जिसका नाम था हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप पूरा पुराना हो गया था 2010 साल पहले का, 2008-09 में लॉन्च किए गए थे, तो उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरे पुराने हो गए थे, तो उसको डिसमेंटल हो गया, वो अभी नहीं चल रहा है। तो वी गॉट ए न्यू वन विद न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट, न्यू ट्रांसिस्टर, न्यू सेमीकंडक्टर्स, मोर फास्टर, मोर क्विकर, मोर एफिशिएंट, मोर रिजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन वाला मिल गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। बेसिकली ये टेलीस्कोप का एक ही काम होता है कि देखिए एक्सोप्लैनेट को ढूंढिए, कुछ अपने जैसे अर्थ लाइक प्लैनेट्स अगर होंगे, अर्थ के जैसे, अर्थ लाइक मीन्स अर्थ के जैसे प्लैनेट्स होंगे जिसमें जिंदा जिंदगी हो सकेंगी, लाइक दैट। तो उसका काम ही यही कि दूर दूर के प्लैनेट्स देखना और वहाँ का जो भी ऊपर जो है एटमॉस्फेयर, जो है एटमॉस्फेयर को कैरेक्टराइज करना। कैरेक्टराइज मीन्स एटमॉस्फेयर कैसा है, कभी सोलार फ्लेयर आ रहे हैं, कभी सोलार एमिशन कोरोनल मास इजेक्शंस आ रहे हैं, ओके, सोलार विंड्स आ रहे हैं, किस तरीके से अपने एंड सब पार्टिकल्स जो भी होते हैं पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा वो क्या कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर का, वहां के एटमॉस्फेयर का कैरेक्टरिस्टिक लिखना। तो टेलीस्कोप से यही दो चीजें हम डिराइव कर रहे हैं फिलहाल। और एक बात याद रखिए, ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये USA ने बनाया है विद अलॉन्ग विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी, तीनों मिलके ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है। तो अभी न्यूज में क्यों है, इन्होंने ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, कार्बन डाइऑक्साइड का एविडेंस इट हैज डिस्कवर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड मिला बोल के जेम्स वेब टेलीस्कोप से इन्फॉर्मेशन आए। द टेलीस्कोप ग्लीन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ए गैस जेंड, ओके, दो जो गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो WASP-39b, ओके, WASP-39b एक गैस का गोला था, उसका नाम रखे अपन WASP-39b। यहां से जो भी गैस निकली थी CO2 भी हो सकती है बोल के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वो बताया है, ओके। इट विल बी रेवोल्यूशनरी फॉर एक्सोप्लैनेट रिसर्च। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये CO2 वहां पे, तो डेफिनेटली CO2 से प्लांट्स भी हो सकेंगे, क्योंकि प्लांट्स रिक्वायर व्हाट, CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट तो वैसे भी मिल रही है उनके स्टार से, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बहुत चांसेस है। फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, राइट, दिस ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो इंसान भी हो सकेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इफ यू डोंट, इफ यू स्टिल हैव डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। यू कैन ऑल्सो विजिट टू www.ikhraes.com, वहाँ पे या न्यू कोर्सेज हैज बीन लॉन्च, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग एंड ऑल्सो बी अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर ओझा सर। थैंक्स लॉट, बाय बाय।